आज से कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज शुरू हो गया है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में पहले टीका लिया है और साथ ही साथ आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी टीका लेने जा रहे हैं। 1 बजे जो है वो IGIMS में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टीका लेंगे और तमाम जो माननीय विधायक हैं उनको भी आज टीका लगना है। विधानसभा के अंदर जो है कक्ष बनाया गया है उसी में तमाम विधायकों को टीका लगना है। इस पर सवाल किया गया भाई वीरेंद्र जो कि राजद के नेता हैं, उनसे सवाल किया गया कि आज टीका लगना है तो उन्होंने कहा कि हम अभी टीका नहीं लेंगे, जब तक जांच नहीं करवाएंगे तब तक टीका नहीं लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अलग से वैक्सीन बनाया गया हो, सेफ वैक्सीन बनाया गया हो तो वो लोग टीका ले रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग जाँच नहीं करवा लेते हैं तब तक टीका नहीं लेंगे। तो जिस पर जब यह सवाल किया गया पथ निर्माण मंत्री से जो नितिन नवीन है उनसे यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध करने के चक्कर में ये लोग जो साइंटिस्ट हैं उन पे भी भरोसा नहीं कर रहे, जो डॉक्टर हैं उन पे इन लोगों को भरोसा नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र और नितिन नवीन वो सुनिए। दिया जा रहा है ऐसे में विधायकों को भी दिया जाएगा, आप लेंगे या नहीं? देखिए, हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से राय लेने के बाद ही वैक्सीनेशन लेने का काम करेंगे। जब वो डॉक्टर राय देंगे तब ही हम वैक्सीनेशन लेंगे। हमको आशंका है कि वैक्सीनेशन कहीं प्रधानमंत्री के लिए अलग बना हो, माननीय मुख्यमंत्रियों के लिए अलग बना हो। अगर ऐसा है तो हम पता लगवाएंगे पहले कि मामला क्या है, घालमेल तो नहीं है, तभी हम लोग उस पर हाथ डालने का काम करेंगे और अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से राय लेने के बाद ही हम वैक्सीनेशन। मतलब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज होगी ना, तो आप माननीय सदस्यों के लिए आज व्यवस्था है? अरे कहा ना कि डॉक्टर हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनसे राय ले लेंगे उसके बाद ही हम। क्या ऐसी RJD के विधायक कह रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं है? देखिए, उनको खुद पे भरोसा नहीं है और मेरा ये मानना है कि आज देश और दुनिया ने भारतीय वैक्सीन पर भरोसा जताया है। विश्व की 22 बड़े देश आज भारत से वैक्सीन ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिसको देश और दुनिया में UN ने भी, जिसको WHO ने भी, जिसको मान्यता दे रही है, उन पर उनको भरोसा नहीं। तो केवल नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर वो लोग वैक्सीन का विरोध करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के साइंटिस्ट पे उनको भरोसा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। राजनीतिक विरोध अलग चीज़ है, लेकिन अगर वैक्सीन जिस पर देश और दुनिया में भारत का नाम बढ़ा है इस महामारी के समय में, उसके पर भी भरोसा न करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बस एक ही बात लगता है, एक तो नरेंद्र मोदी जी का विरोध और दूसरा खुद पर विश्वास नहीं। आज सदन में माननीयों को आज दिया जाएगा टीका, अभी टीका लीजिएगा। आज 1 मार्च से हो रही है, प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की है, सभी मुख्यमंत्री और फिर बाकी सभी जनप्रतिनिधि देंगे, हम भी उस क्रम में लेंगे।